आपके लिए लेके आ चुका हूँ मोस्ट कंफर्टेबल बाइक इन इंडिया, बजट इन 3 लाख रुपीज, मतलब के 3 लाख रुपए के अंदर बहुत ही प्यारी बाइक आने वाली है, ठीक है। अगर आप कंपेयर करते हो हार्ले डेविडसन मोर मोटी एक्स से, तो भाई इससे बहुत ही ज्यादा ब्रूटलिंग बाइक अभी तक मैंने इस 2024 एडिशन में नहीं देखी। हीरो मार्विक 440 2024 एडिशन बहुत ही प्यारी एडिशन के साथ आ चुकी है। बहुत ही ब्रूटलिंग इसका इंजन पावर है, इसका पिकअप इनिशियल है, बहुत ही सारी चीजें इसके बारे में डिस्कसिंग करने वाले हैं। बाकी तो अभी तक आपने राइड रिव्यू नहीं देखा तो यहाँ पे आई बटन पे आ रहा होगा, वहां पे जाओ, वहां पे आपको फुल राइड रिव्यू देखने के लिए मिल जाएगा। बाकी तो बात करते हैं शोरूम की, तो यहाँ पे स्पेशली थैंक्स फॉर हीरो शोरूम मेहसाना डिस्ट्रिक्ट नागरपुर रोड के पास, नागरपुर कॉलेज के साइड में, मतलब के नागरपुर रोड के पास ही आपको मिलने वाले। डिस्क्रिप्शन में मैंने सारे शोरूम की डिटेल्स दी गई हुई है, वहां पे जाए वहां पे आपको सारी चीजें मिलने वाली है। तो आज बात करते हैं मारुति 440 की, तो बाइक की फुल डिटेलिंग रिव्यू लेने वाले। तो वीडियो बनाए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत। चलिए बढ़ते बाइक की ओर। तो फ्रंट ऑफ ऑल दोस्तों बात करते हैं इसकी ऑन रोड प्राइस के बारे में। तो यहाँ पे आपको डिस्ट्रिक्ट अराउंड उत्तर गुजरात मेहसाना में आपको 2,60,500 रुपए, मतलब कि 2,16,500 रुपीज के साथ आपको मिलने वाली है मारुविक 440 हीरो। तो आज इसकी फुल डिटेलिंग रिव्यू बनाने के लिए आज मेहसाने में। तो यहाँ पे फ्रंट ऑफ ऑल देखने के लिए मिलेगी टेल साइड एलईडी लाइट्स पूरे आने वाले, यहाँ पे देखने के लिए मिलेगी ट्रम सिग्नल एलोजन, ब्रेकिंग सिस्टम यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा, टेलीस्कोपिक के सस्पेंशन पूरे देखने, फॉर्क के टेलीस्कोपिक के फ्रंट के सस्पेंशन देखने के लिए मिलेंगे। ब्रेकिंग सिस्टम की बात करें तो ड्यूअल चैनल ABS है इसमें। दोस्तों बात करें तो दो वेरिएंट आते हैं, बेसिक और टॉप मॉडल, ठीक है। ये टॉप मॉडल है अभी आपके लिए लेके आ चुका है। बाय ब्रेक के पूरे ABS सिस्टम आने वाली है। अभी मैं राइड लेके आ चुका हूँ, बहुत ही हीटअप मार रहा है इंजन, सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूलेट इंजन इसका पूरा आने वाला है, बहुत ही प्यारा इसका इंजन है, लिटरली मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद आया। बाकी बात करें ब्रेकिंग सिस्टम की तो यहाँ पे आपको 320 mm के, मतलब कि 320 mm के पूरी डिस्क देखने के लिए मिलेगी। ड्यूअल चैनल ABS रियर में आपको देखने के लिए मिलेगी, 240 की पूरी ड्यूअल चैनल ABS पूरी देखने के लिए मिलेगी डिस्क। बाकी 17 इंच के पूरे इसके मैकव्हील आने वाले हैं। टायर्स की बात करें तो फ्रंट में आपको 110.70 का टायर देखने के लिए मिलेगा, रियर में आपको 150-16 का पूरा रियर में टायर देखने के लिए मिलेगा, बहुत ही प्यारा टायर से, ठीक है। बात करें इंजन की तो 440cc का पूरा इंजन आने वाला है। मैक्सिमम पावर की बात करें तो 38 mm 6000 rpm के साथ देखने के लिए मिलेगा, और न्यूटन टॉर्क मीटर की बात करें तो 27 mm 4000 rpm के साथ देखने के लिए लिक्विड कूलेट इंजन पूरा आने वाला है इसमें, बहुत ही प्यारी चीज़ दी गई हुई है। बात करते हैं इसके ग्राफिक्स की तो यहाँ पे 3D में मारुति, यहाँ पे रेडियम में 440 का देखने के लिए मिलेगा। बाकी तो यहाँ पे आपको ग्राफिक्स हीरो के जरक जरक देखने के लिए मिलेंगे, बाकी सारी चीज़ें यहाँ पे भी सेम है। E20 मोटर मारुति का यहाँ पे ग्राफिक्स में देखने के लिए मिलेगा। 440 टॉर्क का देखने के लिए मिलेगा साड़ी गार्ड। बात करते हैं इसकी टेल की तो पर्सनली मैं आप बताऊँ ना आपको, तो बैक की मेरे को टेल इसकी बहुत ही ज़्यादा ब्रूटलिंग बहुत ही ज़्यादा पसंद आई है, ठीक है। मेरे को पर्सनली बैक की टेल बहुत ही प्यारी लगी, यहाँ पे कस्टमर डिलीवरी हो रही है बहुत ही प्यारी, यहाँ पे आपको देखने के लिए डेमो पीस है पूरा, ठीक है। बाकी तो टेल यहाँ पे कार्बोरेट बहुत ही प्यारे, हीरो की बैचिंग आने वाली है, ट्रम सिग्नस इसके बहुत ही LED प्रीमियम आने वाले हैं, फुल एसेसरीज के साथ 2,60,500 रुपये में आपको मिलने वाली है, ठीक है। कार्बोरेट की बात करें तो कार्बोरेट इसका बहुत ही प्यारा मस्कुलर एकदम बल्कि मतलब कि अच्छा वाला आने वाला है मेटालिक। बात करें इसके कलर्स मटेरियल्स की तो इसमें 5 कलर आने वाले हैं, वाइट, ब्लू, रेड, मेटालिक ब्लैक एंड डार्क ब्लैक। ये डार्क ब्लैक है पूरा, मेटालिक ब्लैक अभी अंदर है, ठीक है। बात करते हैं जिन क्लस्टोमीटर की, डिजिटल क्लस्टोमीटर की बात करें तो यहाँ पे आपको फुल डिजिटल शॉर्ट क्लस्टोमीटर मिलने वाला है। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे कुछ भी मोड सेटिंग बेटिंग कुछ भी नहीं दिया गया हुआ, क्योंकि भाई ये एकदम रॉ मशीन है, ठीक है। मेरे को पर्सनली बहुत अच्छा लगा। बाकी तो यहाँ पे SOS 1000 beam लाइट, SOS मशीन आपको देखने के लिए मिलेगा, ऐसे स्टार्ट कर दोगे तो हो जाएगा दबाने के लिए, ठीक है, यहाँ से आपको देखने के लिए मिलेगा।
बाकी कील स्विच यहाँ पे डीप 1000 बीम लाइट डीपर, ये डीपर 1000 बीम लाइट पूरी। हॉर्न, ये ड्रम सिग्नल्स बहुत ही अच्छे है। हॉर्न की बात करें तो यहाँ पे हॉर्न, इसका हॉर्न है कुछ इस तरह से। बाकी डिजिटल क्लस्टरोमीटर देखने के लिए मिलेगा। स्टार्ट स्टैंड है, अगर आप बाइक को मतलब के स्टार्ट करता है कोई भी बच्चा, मतलब कि ये होता है ना कि इंडियंस में बाइक को स्टार्ट करते हैं तो बच्चे ने मतलब कि ऐसे पैर रख के गियर डाउन कर दिया तो तुरंत ही बाइक बंद हो जाएगी स्टैंड पे है तब, बाकी स्टैंड नहीं है तो अलग बात है। बाकी मैं यहाँ पे आपको बता दूँ तो चाय कुछ इस तरह से आपको देखने के लिए मिलेगी, पूरी अच्छी सी नॉर्मल सी, इतनी ज़्यादा भी प्रीमियम नहीं है। बाकी यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा USB चार्जिंग पोर्ट, बहुत ही प्यारा चार्जिंग पोर्ट है। बात करें इसके सस्पेंशन की तो यहाँ पे आपको सस्पेंशन देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे आपको सस्पेंशन हाइड्रोक्लोरिक का पूरा रियल टॉक का सस्पेंशन पूरा आपको देखने के लिए मिलेगा, जो बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी अचीव करता है, बहुत ही प्यारा सस्पेंशन है, ठीक है। बाकी यहाँ पे क्या बोलते हैं इसको मेरे को मालूम है, फुट रेस्ट बहुत ही प्यारे है। बाकी इसकी ग्रिपिंग की भी बहुत प्यारी चीज है। कार्बोरेट सीट की बात करें तो सीट हाइट 808 mm की पूरी सीट हाइट आने वाली है। ग्राउंड क्लीयरेंस की बात करें तो 140 का इसका ग्राउंड क्लीयरेंस देखने के लिए मिलेगा आपको यहाँ से, ठीक है। बाकी तो इसकी लेंथ की बात करें तो 2031 mm की इसकी पूरी लेंथ आने वाली है, मतलब की 2031 mm की इसकी पूरी लेंथ है, जो बहुत ही लंबी चौड़ी बाइक है कंपेयर टू हार्ले डेविडसन लेंथ के बारे में, तो हार्ले इससे ज्यादा लंबाई है, मतलब कि लंबी है, ठीक है। बाकी तो आपको ये 0.5 कैमरे के अंदर बहुत ही डाउन लग रही होगी, मतलब कि छोटी लग रही होगी, ठीक है। बाकी छोटी नहीं है, रियर में आप देखते हो तब पता चलता है। तो फाइनली दोस्तों यहाँ पे माइक थोड़ा डेड हो चुका था, तो बात करते हैं यहाँ पे आपको A20 मॉडल टैंक कैपेसिटी की बात करें तो 13.5 लीटर की इसकी टैंक कैपेसिटी आने वाली है। तो आपको इसमें माइलेज की बात करें तो माइलेज आपको देखने के लिए मिलेगी 35 to 45, मतलब के 35 से 40-45 से आपको माइलेज मिलने वाली है। सीट इसकी बहुत ही स्मॉल आने वाली है, डुअल कलर में आपको सीट देखने के लिए मिलेगी, डबल सीटर है, मतलब कि एक ही में बहुत ही कन्वर्ट की गई हुई है, बहुत ही सॉफ्ट है, बहुत ही कम्फर्टेबल है। बात करते हैं इसकी एग्जॉस्ट की तो यहाँ पे आपको पीछे से देख रहा होगा एग्जॉस्ट इतना बड़ा है ना भाई, आवाज़ भी इतनी बड़ी है एग्जॉस्ट के नोट के साथ, बहुत ही प्यारी चीज है। मैं आपको साउंड सिस्टम सुनाता हूँ पूरा, ये इसका एग्जॉस्ट नोट है पूरा, बहुत ही प्यारा। पैर की पीछे से आप टायर की ग्रिप आप देख सकते हो, बहुत ही प्यारी है, मतलब कि इतना बड़ा टायर है 150 सेगमेंट का, बहुत ही प्यारा है। फाइनली दोस्तों बात करते हैं आपको हार्ले डेविडसन 440X के बारे में, आपको आगे बढ़ना चाहिए या फिर मारविक 440 हीरो के बारे में 2024 एडिशन के साथ है उसके साथ बढ़ना चाहिए। तो मैं आपको प्रिफर करूंगा कि आप मारविक 440 के हीरो के साथ ही बढ़ो, क्योंकि भाई इसका ब्रूटलिंग, इसका ब्रेकिंग सिस्टम, इसकी माइलेज कंपेयर टू हार्ले डेविडसन 440X, तो हार्ले डेविडसन की ब्रूटलिंग एक ऐसा बंदा चला सकता है वो बाइक के, उसकी 6 फीट हाइट है, ठीक है, इतनी लंबी बाइक है ना, वो बहुत ही ब्रूटलिंग लगता है, बहुत ही अनकंफर्टेबल लगता है, ठीक है। मेरे को पर्सनली अनकंफर्टेबल लगा जब चलाई थी तब। बाकी तो इसका उसका राइड रिव्यू मैंने डाला भी नहीं, क्योंकि भाई बहुत ही मतलब कि मज़ा नहीं आया मेरे को इसीलिए। बाकी तो इसकी नेकेड बाइक में भाई अभी के टाइम में 260,000 के अराउंड आप बाइक लेना चाहते हो तो ड्यूक को ये तो ये पूरी पछाड़ देगी भाई, मेरे को मालूम है कि ड्यूक को पछाड़ देगी, क्योंकि मैंने ड्यूक भी चलाई, बहुत सारी बाइक अभी तक मैंने चलाई, तो कम्फर्ट मेरे को ये ज़्यादा बहुत ही कम्फर्ट लगी, ठीक है। ब्रेकिंग सिस्टम इसकी बहुत ही ज़्यादा कम्फर्ट लगी, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी तो इसका लिक्विड कूल्ड इंजन, ब्रेकिंग सिस्टम, मैंने आपको सारी चीज़ें बताई। वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते ऐसे मस्त थे एक और प्यारे से वीडियो के साथ, हमारे साथ यहाँ पे धवल भाई है, स्पेशली थैंक्स फॉर धवल भाई, मैनेजमेंट टीम फॉर हीरो मेहसाना डिस्ट्रिक्ट। तो अभी वीडियो कैसा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते ऐसे एक और प्यारे से मस्त से वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, टेक केयर गाइस। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।